पंजाब में 10 महीने में ही आम आदमी पार्टी की सरकार में दूसरे कैबिनेट मंत्री की छुट्टी हो गई है। मंत्री फौजा सिंह सरारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सरारी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और आगे भी रहूंगा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना है और कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। फौजा सिंह के इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार में नए चेहरों को मंत्री बनने का मौका दे सकती है। आपको बता दें कि शनिवार को शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और राजभवन में एक सादे समारोह में नई मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जा सकती है। सरारी की जगह विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। भगवंत मान कैबिनेट में अब कुल 4 पद रिक्त हैं। सूत्रों की माने तो बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री मान से मुलाकात करके खुद को कैबिनेट में मौका देने के लिए उनका धन्यवाद किया है। पिछले साल 11 सितंबर को फौजा सिंह सरारी के कथित भ्रष्टाचार का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो को खुद उनके ओएसडी तरसेम कपूर ने लीक किया था। इसके बाद से सरारी को लेकर आम आदमी पार्टी सवारों के कटघरे में थी। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर फौजा सिंह सरारी का बचाने का आरोप लगाया जा रहा था। फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में लगे हैं, अब अपने मंत्री के मामले की भी निष्पक्ष जाँच करवाएं और कार्रवाई करें। हमारे पास इनके 2 और मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मौजूद हैं, जल्द इसका भी खुलासा करेंगे। हो सकता है उनमें से किसी को आज ही सरकार बचाने के लिए हटा भी दें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हुए पहले कैबिनेट विस्तार में फौजा सिंह को मंत्री बनाया गया था और उनके पास खाद्य और बागवानी मंत्रालय था। पिछले साल सितंबर महीने में जब सरारी का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, तब उस वक्त सीएम भगवंत मान जर्मनी दौरे पर थे। उनके जर्मनी से वापस आने के बाद फौजा सिंह को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया था। 1 मिनट 35 सेकंड के ऑडियो क्लिप में पैसे कैसे लेने हैं, इस संबंध में 2 व्यक्तियों के बीच बातें हो रही थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये ऑडियो क्लिप कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी और उनके ओएसडी तरसेम कपूर के बीच बातचीत का है, लेकिन मंत्री सरारी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। मंत्री ने कहा था कि विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत फर्जी ऑडियो क्लिप तैयार करके सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।